केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज पूर्व पेतनीपुर में कार्यक्रम के एक समूह का दौरा करेंगे। आज सुबह वो कोलाघाट के बरदाबर आए, उन्होंने कार्यकर्ता के साथ सांगठनिक बैठक की। बाद में तमलुक में पूरे दिन का कार्यक्रम करेंगे। इसके अलावा नंद कुमार विधानसभा के भाजपा प्रदर्शनकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर में मसादल और हल्दिया में सभा भी करेंगे। हल्दिया में रात गुजरने के बाद अगले दिन सुबह स्वच्छ अभियान के सांगठनिक बैठक में लौटेंगे। उन्होंने आज सुबह कोलाघाट के बरदाबार में भाजपा के पहले प्रदर्शनकारियों के साथ पहली बैठक की। पंकज चौधरी ने संवाददाता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, पंचायत चुनाव में आज राज्य पुलिस द्वारा मतदान प्रक्रिया करे जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल की पुराने व्यवस्था है। इस लड़ाई की निगरानी भारत सरकार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा को सक्रिय चुनाव में उम्मीदवार देने में दिक्कत हो रहे हैं। सक्रिय चुनाव में स्थानीय नेता लड़ रहे हैं। उन्होंने कई स्थानियों पर जीत हासिल किए है, बाकी स्थान पर भी लड़ लेंगे। ये तो बंगाल का पुरानी पद्धति रही है और निश्चित तौर से बंगाल में इसी के आधार पर लोग सरकारें चला रहे हैं। इसका संज्ञान भारत सरकार जरूर से लेगी। सर, और एक क्वेश्चन थी, यहाँ पर जो बंगाल में जो समवाय समिति है उसका एकाधिक चुनाव में बीजेपी का जो सीट है वो नीचे गिर रहा है, क्या बोलेंगे इसको लेकर? समझ में समझा नहीं। समवाय जो है यहाँ पे